इसमें ऊपर मैंने मिर्चा भी डाली है। हो गई है हमारी बिरयानी तैयार। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके रोजे अच्छे से गुजर रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। आज है 11वां रोजा। करते हैं सहरी, हो गया है सहरी का टाइम। चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर ली और मौसम देखो, आज मौसम ठंडा है, बारिश गिर रही है इस टाइम। और चलता हूँ मैं फजर की नमाज पढ़ने। आज जल्दी उठना है, आज 10:30 बजे ट्रेनिंग होगी स्टार्ट। नमाज पढ़ के हम निकले और बारिश हो गई तेज स्टार्ट। और आज जुमा भी है, आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। आज रमज़ान का दूसरा जुमा है और मुझे अपने दुआ में याद रखना। मैं चलता हूँ अब सोने, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है और ट्रेनिंग लेनी है। पता नहीं आज कितने देर तक पकड़ेंगे वो लैपटॉप ऊपर चढ़ा के, फिर चल सो जाता हूँ। One eternity later. चल ट्रेनिंग कर ली मैंने खत्म। तो अभी टाइम है इफ्तारी को। आज हम बनाएंगे स्पेशल चिकन बिरयानी। ओके, उसके लिए मुझे सामान लाना है, चिकन लाना है, धनिया लाना है और लाना है बिरयानी मसाला। चलते हैं जल्दी जल्दी। बासमती राइस है ऑलरेडी घर में, वो लाने की कोई जरूरत नहीं। तो निकलता हूँ मैं जल्दी। लाई हमने सारी चीजें, देखो ये रहा चिकन और ये लाया मैंने बिरयानी मसाला, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है चिकन बिरयानी के लिए। और धनिया और लाया फ्रूट कस्टर्ड इफ्तारी के लिए ग्रेप्स। अब चल रहे हैं हम घर की ओर डायरेक्ट। अब और कुछ नहीं हमें लाना है। चलते हैं और घर में करते हैं पहले चिकन की मैरिनेशन। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और अब इनके इन चिकन को मैंने पीसेस भी कर लिए। अब डालेंगे इसमें मसाले। मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन से मसाले में मुझे डाल। ये है रेड चिली पाउडर, ये है कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, जिंजर पाउडर और नमक। अब डालूंगा मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये अच्छे से डालना है क्योंकि ये एक चिकन बराबर है। डालूंगा मैं इसमें दही और लास्ट में धनिया। अब इसको मैं मिक्स करूंगा अच्छे से। आप अगर चाहे तो हाथ से भी कर सकते हो। इसको मैंने मिक्स अच्छे से कर लिया, देखो। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रखता हूँ। A few moments later. जब तक चिकन मैरिनेट होता है, करेंगे हम ऑनियन फ्राई अच्छे से। इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं होता। प्याज हो रहे हैं फ्राई। अब इसमें मैं डालूंगा ये मसाले। ये है जीरा, ग्रीन कार्डियम, ये है ब्लैक पेपर, ये है ब्लैक कार्डियम और ये है क्लोव। सारा हम इसी में डालेंगे। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे प्याज के साथ। मैं तेज पत्ता डालूंगा। इसको करना है गोल्डन ब्राउन प्याज को। प्याज आ गए हैं गोल्डन ब्राउन। अब डालेंगे हम इसमें चिकन। देखो कलर कैसा निकला है। अभी आराम से डालेंगे। और अब हम चिकन को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। A few moments later. चिकन अब फ्राई हो रहा है। अब इस टाइम पे मैं इसमें बिरयानी मसाला डालूंगा। ये है बिरयानी मसाला, ये मैं इसमें 2 टीस्पून डालूंगा। ओके, इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से। A
इसको मिक्स करते रहना है ताकि नीचे से जल ना जाए। इसमें ऊपर मैंने मिर्चा भी डाली है ग्रीन 5 से 6। अब इसमें डालेंगे हम चावल। ये चावल हो गए तैयार बासमती, देखो। अब यही डालेंगे हम इसमें, ऊपर से लेयर्स अच्छे से बनाएंगे। अब इसमें मैं चावल ऐड करूंगा अच्छे से फैला के। अब इस पे मैं ढक्कन रखूंगा, इसको मैं 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे पकाऊंगा। अब बनाऊंगा मैं अनियन की चटनी जो वाजवान में होती है। इसमें मैं पहले डालूंगा नमक, इसको मैंने भिगो के रखा था पानी में ताकि इसका जो स्मोक है वो निकले। अब इसमें मैं डालूंगा नमक और ये है रेड चिली पाउडर, और डालेंगे इसमें ये है विनेगर। ये डालूंगा मैं 2 स्पून, और मैं इसमें ग्रीन चिल्ली और कोरिएंडर डालूंगा, इससे भी टेस्ट अच्छा होता है और स्मेल भी इससे अच्छी आती है। अब इसको हम मिक्स अच्छे से करेंगे। ये हो गई चटनी तैयार ऑनियन की, देखो कितनी अच्छी लग रही है। अब करेंगे वेट। अभी इफ्तारी में आधा घंटा है, आज इफ्तारी में ज़्यादा कुछ नहीं है, आज सिर्फ हम फ्रूट्स और ये पियेंगे पानी बस, और फिर उसके बाद बिरयानी की टर्न। मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में। A few moments later. ये हो गया आज का इफ्तार, कस्टर्ड और खजूर और दूध, बस आज इसी से इफ्तार करेंगे। मिलता हूँ मैं अब इफ्तारी के बाद। One eternity later. ये हो गई हमारी बिरयानी तैयार। अभी इसको मिक्स भी करना है पूरा, तो उसमें आप देख सकते हो कलर कैसा निकलेगा। इसको हम निकालेंगे अब प्लेट्स में, इसके बाद दिखाऊंगा मैं इसका टेस्ट कैसा है और कितना अच्छा हुआ है। ये हो गई है हमारी बिरयानी तैयार, बराबर रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी है। ये हमने बनाई 2 चटनी, ये है पुदीने की और ये है प्याज की। ये 1 स्पून बनाएंगे एक निवाला और मजेदार ये बराबर रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट, और कलर भी वैसा ही है। देखो चिकन कितना टेंडर है। करूंगा मैं फिनिश, मिलता हूँ थोड़ी देर में। 2000 years later. डिनर कर लिया मैंने, बिरयानी का इतना अच्छा टेस्ट था मैं क्या बोलूं, बराबर रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट, और दिख भी रहा था वैसा ही जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है। बहुत अच्छा टेस्ट था, आप भी ट्राई करना घर में और फिर कमेंट्स में लिखना कि आपको ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। इस व्लॉग को मैं अब यहीं पर एंड करता हूँ, उम्मीद है कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ मैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।